नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलसिस, ग्लोमेरुलस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस यहाँ पर क्या दे रखा है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अभी तो मुझे यही सही दिख रहा है। आगे देखती हूँ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, नो तो यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन भी यहाँ पे नहीं होती है ना। मैं यहाँ पे यदि फंक्शन की बात करूँ, यदि मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ तो कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में तो आपका आ जाएगा लुपोफिलिन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में आ जाएगा यहाँ पे मेनली आएगा पीसीटी, फिर उसके बाद में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में डीसीटी, और फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की बात करो तो अगेन यहाँ पर आएगा मेनली पीसीटी, फिर उसके बाद में डीसीटी। ठीक, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये सारे पार्ट्स आ गए, लेकिन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किसका फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा ग्लोमेरुलस का, यदि स्पेसिफिकली बोले तो रीनल कॉर्पसल का, मतलब ग्लोमेरुलस के साथ में यहाँ पे बोमन कैप्सूल को भी ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन, ई कैटेगरी।